हाय। तो आज तीसरे पार्ट के साथ, जो कि फाइनल पार्ट होगा, के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यहाँ से हम रिज्यूम करेंगे। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। वो माइक्रोब्स के जरिए जाता है, ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं, कंटामिनेट्स हैं, उनको डिग्रेड करके लेस हार्मफुल या कम्प्लीटली मिनरलाइज कर दिया जाता है। उससे पानी साफ़ किया जा सकता है, सॉइल साफ़ की जा सकती है, वेस्ट को प्रोडक्टेबल वेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जो आगे फिर इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। आप उसको किसी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, और डिफरेंट सॉइल की फर्टिलिटी की इंक्रीज इन्हेंसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेक्सटाइल में कैसे होता है? यूज़ ऑफ एंजाइम इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपिडली ग्रोइंग फील्ड इन इंडस्ट्रियल एंजाइमोलॉजी। स्टार्च हैज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन यूज एज ए प्रोटेक्टिव ग्लू ऑफ फाइबर्स इन वेविंग ऑफ फैब्रिक्स। दिस इज कॉल्ड सीजिंग। एंजाइम्स आर यूज टू रिमूव द स्टार्च इन अ प्रोसेस कॉल्ड डीसाइजिंग। Amylases are used in this process since they do not harm the textile fibers. Lecase, a polyphenol oxidase from fungi, used to degrade lignin, the aromatic polymer found in all plant material. Animal feed में कैसे होता है कि the net effect of enzyme usage in feed has been increased animal weight. The first commercial success was addition of beta glucanase into barley-based feed diets. Barley contains beta glucan, which causes high viscosity in the chicken gut. Xylenes from Trichoderma are added to wheat-based broiler feed and are nowadays routinely used in feed formulations and animal gain weight. तो ये उससे उनका वेट बढ़ता है एनिमल्स का। जो ब्रायलर है बहुत जल्दी, ब्रायलर जैसे है बहुत जल्दी ही मोटा हो जाता है। तो इस वजह से ये कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आता है, जल्दी से बड़े हो जाते हैं। पिग हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, चिकन है, ब्रॉयलर जो है, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो वो टाइम थोड़ा लेते हैं, इससे उनकी जो प्रॉफिट है बढ़ जाती है। बैकिंग, ये भी बहुत पुराना पुराना एक मेथड है जिसमें एनिमल इस्तेमाल हो रहा है। अल्फा अमाइलेज हैव बीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्फा अमाइलेज हैव बीन मोस्ट वाइडली स्टडीड इन कनेक्शन विद इम्प्रूव्ड ब्रेड क्वालिटी, इंक्रीज शेल्फ लाइफ, बोथ फंगल एंड बैक्टीरिया। अमाइलेज आर यूज इन ब्रेड मेकिंग एंड एक्सेस में लीड टू स्टिकी डफ। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? द मेजर एप्लीकेशन इज द यूज ऑफ ज़ाइलिनेज़ इन पल्प ब्लीचिंग फॉर पेपर। लेदर में भी इस्तेमाल होता है। लेदर इंडस्ट्री यूजेस प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम इन लेदर प्रोसेसिंग। एंजाइम्स आर यूज्ड टू रिमूव एनिमल स्किन, हेयर एंड एनी अनवांटेड पार्ट्स। द यूज्ड एंजाइम्स आर टिपिकली अल्कलाइन बैक्टीरियल प्रोटीएजेस। लाइपेज आर यूज्ड इन दिस फेज और इन बेडिंग फेज टू स्पेसिफिकली रिमूव ग्रीस। एंजाइम्स इन डीएनए टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो कट लगाते हैं, स्टिकी एंड्स हो या ब्लंट एंड्स हो, कट लगते हैं। तो उन कट पे फिर जाके जो डिजायर्ड जीन होता है या पार्ट ऑफ डीएनए होता है, वो लगाते हैं। वो तो ये सारा प्रोसेस होता है एंजाइम के जरिए। पीसीआर में क्या इस्तेमाल होता है? एंजाइम इस्तेमाल होता है, टैग पॉलीमरेज। तो एंजाइम जो है डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल है इसका। डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड बोथ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड ओपन टोटली न्यू फील्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ वन टू प्रोड्यूस न्यू एंजाइम्स इन ट्रेडिशनल ओवर प्रोड्यूसिंग एंड सेफ ऑर्गेनिज्म। ओके जी, आज ये सारे चैप्टर 5 का लास्ट
लास्ट पार्ट था, यहाँ पे ख़त्म हुआ। और एक और किसी सीरीज के साथ इंशाल्लाह मैं आऊँगा, तो प्लीज़ इनकरेज माई एफर्ट। थैंक यू सो मच।